जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और हम लोग भारत के भूगोल की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में कि भारत का मानचित्र में स्थान कहाँ है। उसके बाद हमने जो है नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ा था, भारत की जो प्रमुख नदियाँ थीं, प्रमुख नदी तंत्र थे। आज हम भारत के भूगोल में पढ़ने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारत की जलवायु। इसमें हम भारत की जलवायु के बारे में तो समझेंगे ही, और यह भी समझेंगे कि भारत की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं किन किन वजहों से हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने खास मित्रों को जो पढ़ने वाले हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए, इसका लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है यह इस वीडियो का लाभ मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में यह देखते हैं, अब जलवायु पढ़ने से पहले हमारा यह जानना ज़रूरी है कि भारत में थोड़ा सा हम देख लेते हैं सामान्य पैटर्न जो है मौसम या जलवायु का क्या रहता है। भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ कैसी जलवायु रहती है, दक्षिणी भाग में कैसी जलवायु रहती है, पूर्वी भाग में कैसी जलवायु रहती है, और पश्चिमी भाग में कैसी जलवायु रहती है। इन सबको देख लेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कि इनकी इस जलवायु के पीछे, इस प्रादेशिक भिन्नताओं के पीछे कारण क्या है। ठीक है ना, कारण समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ें एकदम हूबहू स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आपको यह रेगिस्तानी इलाका दिख रहा होगा, यह भारत का जो है पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, मरुस्थली क्षेत्र है। दिख रहा होगा कि यह मरुस्थल जैसा है, तो भारत का ही प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश है, वहाँ जो है थार का मरुस्थल है। वहाँ मौसम की ऐसी दशाएँ पाई जाती हैं जिस वजह से वनस्पतियों का उग पाना संभव नहीं है, या कह लीजिए कि तापमान ज़्यादा रहता है सामान्य तौर पर, वर्षण कम होता है, तो इसकी वजह हम पढ़ेंगे जो है कैसा क्यों होता है। दूसरा आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो खूबसूरत जो है नदियाँ, झीलें, खूबसूरत ठंडे ठंडे पहाड़, इसके पीछे क्या वजह है। ठंडियाँ जो है जम्मू कश्मीर में, मौसम ठंडा प्रायः क्यों रहता है, इसको भी हम समझेंगे। दार्जिलिंग की तरफ आएंगे, देखेंगे तो महसूस करेंगे कि बादल जैसे जो है धरती से मिलता हुआ सा दिख रहा है। देख रहे हैं ना, बादल है बिल्कुल धरती से मिलता हुआ सा दिख रहा है। पहाड़ी इलाका है, आप देख रहे हैं कि पर्वती, उस पर चाय वगैरह की खेती की जा रही है। तो इन सब की जो है इसके बारे में भी देखेंगे कि यहाँ ऐसी जलवायु या ऐसी मौसम की दशाएँ क्यों हैं। फिर हम देखते हैं केरल का क्षेत्र है, केरल के क्षेत्र में देख रहे हैं नारियल का पौधा उगता है, क्या कारण है कि वहाँ नारियल पैदा होते हैं। मौसम की ऐसी कौन सी दशाएँ हैं कि ज़्यादातर जो है वहाँ लोग, मतलब ठंडी बहुत कम पड़ती है। तो इन सब दशाओं के बारे में जो है हम लोग विस्तार से आज पढ़ेंगे। ये जो है भारत का पश्चिमी घाट क्षेत्र है, देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि सदैव हरा भरा सा रहता है। इस हरे भरे रहने के पीछे क्या कारण है, क्या ऐसी यहाँ जो है मौसम की दशाएँ क्यों ऐसी हैं, क्या कारण है, इन सब को जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी जो है आपसे बात हो जलवायु की, यहाँ दो चीज़ें आती हैं, दो टर्म आता है, एक आता है जलवायु और दूसरा आता है मौसम। जलवायु और मौसम जो है देखा जाए तो मतलब कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ पैटर्न हैं, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, वर्षण हो गया, इन सब की पद्धतियों को जो है अगर हम लोग जो है हफ्ते भर में देखें, हफ्ते भर से कम के अंदर देखें, तो उन सब की पद्धतियों का जो अध्ययन कहलाता है वो मौसम कहलाएगा। और अगर जो है उन सारी पद्धतियों को हम लगभग 30 वर्ष से अधिक के दौरान से लेकर के देखें तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको जलवायु। जैसे मौसम कहते हैं कि आज का मौसम गर्म है, आज का मौसम ठंडा है, तो मौसम का मतलब यह है कि तात्कालिक बदलने वाली चीज़ क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। और जलवायु का मतलब ये है कि कई वर्षों, मतलब देखा जाए तो सामान्य जो है मौसम की दशाएं क्या है उसको जो है कई वर्षों तक क्या मौसम की दशाएं रहती है उसको क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। तो जलवायु और मौसम में विभिन्नता जो है समय को लेकर के है। किसको लेकर के है, समय को लेकर के है। जलवायु जो है मौसम की कह लीजिए लंबी और विस्तृत समय सीमा पर जो है आधारित होता है। ठीक है ना, उस पर जो है आधारित होता है। तो सबसे पहले जो है हम भारत के
भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम यह देख लेते हैं कि भारत के जो है विभिन्न क्षेत्रों में सर्दियों और गर्मियों में क्या स्थिति रहती है, फिर हम जो है उसके पीछे के कारण को समझेंगे। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य जलवायु क्या है, सामान्य मौसम की दशाएँ क्या है। तो आइए गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मियों में आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, यह जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, आप पाएंगे कि यहाँ जो है तापमान प्रायः आप देखेंगे तो अधिकतम सीमा पाएंगे कि आप जो है 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस तक जो है पार कर जाता है गर्मियों के क्षेत्र। और सर्दियों में अगर जो है आप इधर जाएँ, जम्मू कश्मीर में लेह की तरफ जाएँ, तो आप पाएंगे कि यहाँ जो है तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। आप सोचिए एक जगह का तापमान क्या हो जाता है, एक जगह का तापमान हो जाता है 55 डिग्री सेल्सियस और दूसरी जगह का तापमान पहुंच जाता है -45 डिग्री सेल्सियस। तापमान में इतनी बड़ी भिन्नता दो मौसमों में, यह भारत में ही संभव है। एक खास महीने, अभी तो हमने गर्मियों और सर्दियों में जो है मौसम की दिशाओं में भिन्नता देखी, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक ही मौसम में भारत के अलग अलग स्थानों में क्या स्थिति रहती है। आइए हम पश्चिमी क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं तो जून के महीने में हम देख लेते हैं। जून के महीने में उत्तर भारत में सामान्य तौर पर गर्मी पड़ती है तो पश्चिम भाग जो है, जो मरुस्थली क्षेत्र है, एक स्थान है चुरू। चुरू में अगर हम टेम्परेचर नापें जून के महीने में तो हम पाएंगे कि औसतन तापमान कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। और उसी से जो है हम यहाँ आ जाएं, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आ जाएं, तो हम पाते हैं कि यहाँ जो है उसी जून के महीने में तापमान कितना रहता है, अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप देखिए, एक जो है पश्चिमी क्षेत्र है, एक क्या है पूर्वी क्षेत्र है, जून का ही महीना है। जून के महीने में पश्चिमी क्षेत्र में कितना तापमान है, 50 डिग्री सेल्सियस है। जून के महीने में चुरू का तापमान औसत कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। और तवांग का तापमान बमुश्किल कितना है, 19 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब जरूर कोई न कोई कारण होगा जिस वजह से जो है क्या है यहाँ के तापमान में इतनी बड़ी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। अगर हम दिसंबर में ही देख लें, दिसंबर में अगर हम ठंडी का महीना होता है, ठंडी के महीने में अगर हम यहाँ देखें जम्मू कश्मीर के लेह में देख लें, लेह में जो है पाएंगे कि औसत तापमान कितना रहता है, -40-40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना हो जाता है? -40-40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है दिसंबर के महीने में लेह का तापमान। और उसी दिसंबर के महीने में अगर हम यहाँ जो है देखेंगे, कन्याकुमारी के क्षेत्र में देखेंगे या तिरुवनंतपुरम के क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि उसी ठंडी के क्षेत्र में यहाँ का तापमान कितना रहता है, बमुश्किल जो है 17-18 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब आप सोचिए दिसंबर के महीने में भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, सबसे उत्तरी क्षेत्र है, उसका तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है और उसी दिसंबर के महीने में भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, तिरुवनंतपुरम का क्षेत्र है, वहां तापमान क्या है, मुश्किल से 17-18 डिग्री सेल्सियस तक है। ये तो रही तापमान की बात। तापमान के अलावा अगर आप वायुदाब की बात करें, वर्षण की बात करें, तो भी आप पाएंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रादेशिक भिन्नताएँ हैं। बरसात की ही बात कर लें तो ये आप देखेंगे कि एक स्थान ले लेते हैं, ये है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं मेघालय में। यहाँ अगर आप वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो पाएंगे कि 1000 सेंटीमीटर से अधिक की बरसात होती है। बरसात मापने का पैमाना क्या है, सेंटीमीटर है, उसको जो है पैमाना लेते हैं कि साल भर में कितनी बरसात हुई, तो औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ क्या होती है, यहाँ कितनी होती है, यहाँ 1000 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम जो है इसी को यहाँ ले लें, इस क्षेत्र में ले लें, पश्चिमी क्षेत्र में ले लें, जैसलमेर में ले लें, तो हम आप पाएंगे कि जैसलमेर में पूरी 10 साल का औसत अगर निकाल लेंगे तो पाएंगे कि कितना कितना होता है, 100 सेंटीमीटर क्या होता है, वार्षिक वर्षा होती है। मतलब भारत का एक क्षेत्र है जहाँ 10 वर्षों में जो है उतना बरसात नहीं हो रहा है जितना जो है एक वर्षों में कहाँ हो जाता है, भारत के इस क्षेत्र में हो जाता है। तो ज़रूर जो है कुछ कारक होंगे जो ऐसी जलवायु विभिन्नताओं को क्या करते होंगे, प्रभावित करते होंगे। हमारा पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है, जलवायु, भारत की जलवायु को, पहले तो हमने भारत की जलवायु को समझा कि विभिन्न
क्षेत्रों में विभिन्न मौसमों में विभिन्न महीनों में क्या जो है भारत का जलवायु रहता है। अब हम पढ़ेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है, ऐसी कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से जो है इतनी प्रादेशिक भिन्नताएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है पाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ देखते हैं, आज जो है हम उन्हीं कारणों का अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको बताया कि जो मौसम के तत्व हैं, या आप कह लीजिए जो जलवायु के तत्व हैं, जलवायु को जो है किन किन चीज़ों से जो है नापा जाता है। तो आप पाएंगे कि एक तो तापमान हो गया, हम देखते हैं किसी क्षेत्र का क्या है टेम्परेचर कितना है, औसत तापमान कितना है, तो हम कहते हैं कि यह क्षेत्र गर्म है, यह क्षेत्र क्या है ठंडा है। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं इस क्षेत्र का वायुदाब कितना है। तो वायुदाब भी क्या है, जलवायु का एक पैमाना है, मापने का पैमाना है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। आर्द्रता का जो है अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल मीनिंग आप मिलाएं तो आप जो है नमी से इसको संबंधित कर सकते हैं कि वर्षा में मतलब हवा में जो है कितनी नमी है उसको आप क्या कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। उसके बाद प्रेसिपिटेशन देखते हैं कि किस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात होती है। वर्षा भी क्या है, मौसम का एक तत्व है बरसात होना। तो प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण भी जो है क्या है, मौसम का एक तत्व है जो डिसाइड करता है किसी जगह की जलवायु कैसी रहेगी। विंड पैटर्न जो है कैसा रहेगा, या कह लीजिए पवनों की दिशाएं कैसी रहेंगी, पवनों की दिशाएं क्या रहेंगी। तो ये सब जो है, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि किसी जगह की जलवायु कैसी है। जलवायु के तत्व तो क्या क्या हैं, तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, वर्षण है और पवनों की दिशाएँ हैं। इतनी चीज़ें जो है मिल करके एक खास क्षेत्र की जलवायु का निर्माण करती हैं कि इस खास क्षेत्र का जो है जलवायु जो है कैसा है, ठीक है ना। हमने जो है अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि भारत के जो है विभिन्न प्रदेशों में प्रादेशिक भिन्नताएं हैं जलवायु को लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं है, उन विभिन्नताओं के बावजूद भी अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की जलवायु कैसी है तो आप बताएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसका कहने का मतलब यह है कि उन सारी विविधताओं के बावजूद कहीं न कहीं जो है भारत की जो जलवायु है उसमें अगर लय देखेंगे तो लय कैसी है, मानसूनी है और उष्णकटिबंधीय है। तो आइए देखते हैं, वर्षण के पैटर्न को तो हमने समझ लिया है, हम देखते हैं कि इनके पीछे कारण क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जलवायु को प्रभावित करती हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसा क्यों है कि मेघालय में जो है बरसात, वार्षिक बरसात 1000 सेंटीमीटर के आसपास होती है और जैसलमेर में 10 वर्षों में बरसात 100 सेंटीमीटर तक नहीं हो पाती है। तो इन सब को हम देखेंगे तो दो चीज़ें निकल करके आती हैं। एक तो निकल करके आती है कि जलवायु को जो प्रभावित करता है वह प्रभावित करता है स्थिति एवं उच्चावच। स्थिति कहने का मतलब वह उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है तो कर्क रेखा से कितनी दूर है, भूमध्य रेखा से कितनी दूर है और ऊपर से लिया कितना दूर है। तो एक जो है डिफाइन करता है जलवायु, क्या करता है, स्थिति डिफाइन करती है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, उसकी स्थिति से जो है क्या होती है उसका जलवायु जो है निर्धारित होता है। अब स्थिति से क्या तात्पर्य है, इसको जो है हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे जो है ये है पृथ्वी, ये क्या है, यह है पृथ्वी। पृथ्वी के जो बीचों बीच से काल्पनिक रेखा जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये क्या है, सूर्य है। सूर्य से क्या होता है, सूर्य से जो है सूर्य का जो प्रकाश है वो जो है भूमध्य रेखा पर सीधा आता है, क्या आता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इससे क्या होता है, जो भूमध्य रेखा के आसपास बसे देश हैं, भूमध्य रेखा के आसपास बसे जो देश हैं वहाँ सामान्य तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है और मौसम की दिशाओं में बहुत विभिन्नता नहीं होती है। मतलब इस भूमध्य रेखा के आसपास बसे देश जितना जो है गर्मी में टेम्परेचर रहेगा कमोबेश उससे थोड़ा सा ही कम किस में रहेगा, सर्दी में टेम्परेचर रहेगा। बरसात की जो स्थिति रहेगी वह जो है भूमध्य रेखा के आसपास जो है रहती ही है। तो यह जो है स्थिति का मतलब यह हुआ
कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर चूंकि सूर्य की किरणें सीधे चमकती हैं, इसलिए यह जो क्षेत्र है यह कैसा क्षेत्र होता है, इसका तापमान ज़्यादा होता है और जैविक विविधता ज़्यादा होती है, यहाँ नमी ज़्यादा होती है, और क्या होता है यहाँ जो है मतलब मौसम में परिवर्तन जो है तापमान और कह दीजिए वायुदाब में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। इसकी बजाय जब आप ऊपर बढ़ने लगिए, जैसे आप पढ़ने लगे क्या कर्क रेखा की तरफ बढ़ गए, कर्क रेखा क्या है 23.5 अंश उत्तरी जो रेखा है उसको क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी जो रेखा है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं मकर रेखा। अब आप इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आ जाएंगे तो पता चलेगा जो है कि तापमान तो जो है घट गया है लेकिन क्या है लेकिन मौसमी दशाओं में भी विभिन्नता ज़्यादा आने लगी है। ध्रुवों पर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ जो है ठंडी ही पड़ रही है, 6-6 महीना मतलब बिल्कुल यहाँ बर्फ जमा हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर भी दक्षिणी ध्रुव पर भी यही स्थिति है। यानी भूमध्य रेखा से क्या है एकदम ऊपर है तो यहाँ सूर्य का प्रकाश क्या होता है बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाता है, इसलिए यह जो क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं एकदम ऊपर वाले क्षेत्र क्या होते हैं एकदम ठंडे होते हैं, ठीक है ना। और भूमध्य रेखा का क्षेत्र क्या होता है उसको सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है तो वहाँ जो है ये कैसे प्रदेश होते हैं गर्म प्रदेश होते हैं, यहाँ जो है गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है ना, बरसात जो है ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम इस भूमध्य रेखा के उत्तर चले जाएँ या उस भूमध्य रेखा के दक्षिण चले जाएँ तो हम पाएंगे कि औसत तापमान क्या हो जाता है घटता है, मतलब ज़्यादातर सर्दी पड़ती है और क्या होता है और जो मतलब मौसमी दशाएं हैं उसमें विभिन्नता ज़्यादा आ जाती है। विभिन्नता का मतलब ये है कि गर्मी पड़ेगी तो लगता है असहाय गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ेगी तो लगता है असहाय ठंडी पड़ रही है, तो कुल मिलाकर के जो मौसम की दशाएं हैं उसमें विविधता जो है इधर के क्षेत्रों में क्या जाती है ज़्यादा आ जाती है और इधर के क्षेत्र में क्या रहता है इधर का मौसमी क्षेत्र समकारी रहता है, इधर की जलवायु कैसी रहती है एक जैसी और समकारी रहती है, ठीक है। तो आइए हम पढ़ रहे हैं, हमने आपको दो कारण बताया कि मौसम या जलवायु को प्रभावित करने के दो कारक होते हैं, एक तो होता है उसकी स्थिति कहाँ है, स्थिति कहने का मतलब भूमध्य रेखा के पास है या भूमध्य रेखा से कितना उत्तर या कितना दक्षिण है, एक स्थिति से हो गया। स्थिति से जलवायु इसलिए प्रभावित होती है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, बाकी जगहों पर प्रकाश क्या होता है कम मिल जाता है। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया था पवनों की दिशा, पवनों की दिशाएं जो है निर्धारित करती हैं किसी प्रदेश की जो है जलवायु कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे, आज हमारा मुख्य काम है स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कौन कौन से कारक जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कई कारक हैं, सबसे पहले तो एक अक्षांश है। अक्षांश क्या है, अक्षांश कहने का मतलब भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से जितना कोणीय दूरी ऊपर होगा उतना हम कहेंगे कितना लैटिट्यूड इतना डिग्री नॉर्थ है और जितना दक्षिण होगा कहेंगे कितना डिग्री क्या है दक्षिण है। जैसे आप भारत का मैप अगर आप देख लीजिए तो भारत के मैप को आप देखेंगे तो पाएंगे कि कर्क रेखा जो है भारत के ठीक जो है बीच से लगभग होकर के गुजरती है, किससे होकर गुजरती है भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मतलब क्या है 23.5 अंश उत्तरी जो रेखा है उसको क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है ना। यानी इस कर्क रेखा से अगर हम नीचे का क्षेत्र देखेंगे यानी दक्षिण का क्षेत्र देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ जो है सामान्य तौर पर मौसम क्या रहता है मौसम गर्म रहता है और मौसमी विभिन्नताएं कम पाई जाती हैं। और इसके जो उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर का क्षेत्र चूँकि भूमध्य रेखा से और ज़्यादा ऊपर हो जाता है, हमने अभी आपको बताया था इधर आपने देखा था कि यह जो है क्या है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 23.5 अंश ऊपर क्या है कर्क रेखा है, तो भारत की जो अवस्थिति है वो कमोबेश ऐसे ही करके पाई जाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब कर्क रेखा क्या करता है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है यहाँ क्या होता है प्रायः गर्मी का माहौल ज़्यादा रहता है और मौसम कैसा रहता है समकारी रहता है, मौसम कैसा रहता है समकारी रहता है, मतलब मौसमी दशाओं में ज़्यादा विभिन्नताएँ नहीं आती हैं। उसके उलट जितना हम इधर इस क्षेत्र में जाएंगे यहाँ देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, इधर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये सब क्या होता है औसतन क्या होते हैं दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से की तुलना में यहाँ तापमान कम रहता है और मौसमी दशाएँ क्या होती हैं यहाँ
विषमताएँ ज़्यादा होती हैं। विषमताएँ क्या होती हैं, यहाँ ज़्यादा होती हैं। तो यानी कहने का मतलब किसी क्षेत्र का अक्षांश भी जो है डिसाइड करता है कि उस क्षेत्र की जलवायु जो है कैसी रहेगी। अक्षांश कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि वह जो है भूमध्य रेखा से कितना उत्तर है या भूमध्य रेखा से कितना दक्षिण है, तो इससे जो है उसकी स्थिति पता चल जाती है। तो स्थिति पता चलने से यह स्पष्ट हो जाता है उसको जो है सूर्य का तापमान कितना प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो एक तो जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या हो गया, अक्षांश हो गया। अक्षांश ही वही कारण है आप देखेंगे कि ठंडी में जो है अगर दिसंबर के महीने में यहाँ जो है तापमान कितना है, यहाँ तापमान अगर -45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ तापमान कितना है, यहाँ तापमान होता है लगभग 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेल्सियस। यानी एक ही महीने में आप देखेंगे कि इस स्थान और इस स्थान दोनों के अक्षांशी डिफरेंस के कारण, दोनों के अक्षांशों में विभिन्नता के कारण एक का तापमान जो है दिसंबर में -45 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरे का तापमान कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। क्योंकि इसका अक्षांश क्या है, इसका अक्षांश है 8.4 मिनट, यह भूमध्य रेखा के ज़्यादा निकट है, और इसका अक्षांश है 37.6 मिनट, यह भूमध्य रेखा से क्या है, ज़्यादा दूर है, ठीक है। एक तो हो गया ये कि अक्षांश डिसाइड करता है किसी क्षेत्र की जलवायु जो है कैसी होगी, ठीक है ना। जिस क्षेत्र का अक्षांश ज़्यादा होगा उस क्षेत्र की जलवायु ज़्यादा विषमकारी और ज़्यादा जो है क्या होगी, औसत जलवायु ज़्यादा ठंडी होगी, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, जल और स्थल का वितरण। जल और स्थल का वितरण कहने का मतलब क्या है, आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत जो है एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप कहने का मतलब भारत जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। भारत क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यानी अच्छा पानी की क्या खासियत है, पानी की खासियत अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पानी जो है जमीन की तुलना में रेत की तुलना में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जमीन और पानी में यही अंतर है, जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, और पानी क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है ना। इस वजह से ये जो क्षेत्र हैं समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ आप पाएंगे कि यहाँ जो है मौसम की दिशाएँ क्या रहती हैं, समकारी रहती है। समकारी कहने का मतलब प्रायः जो है हर मौसम में गर्मी में भी वही स्थिति रहती है और ठंडी में भी वही स्थिति रहती है। अच्छा आप देखिए एक क्षेत्र है जो है मुंबई, एक क्षेत्र क्या है मुंबई ले लीजिए, दूसरा आप ले लीजिए क्या रायपुर ले लीजिए, एक है मुंबई दूसरा ले लीजिए रायपुर। तो आप पाएंगे कि मुंबई में जो है गर्मी में टेम्परेचर कितना है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ठंडी में टेम्परेचर कितना है, ठंडी में भी टेम्परेचर कितना है, औसतन 20 या 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं आप रायपुर में देखेंगे तो पाएंगे गर्मी में यहाँ का तापमान कितना हो जाता है, गर्मी में यहाँ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है और ठंडी में तापमान कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। दोनों को देखेंगे तो दोनों का जो अक्षांश क्या है, दोनों का अक्षांश सेम है, दोनों लगभग जो है क्या है सेम अक्षांश पर हैं, एक ही अक्षांश पर दोनों जो है क्या है निवास कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अक्षांश के अलावा जो है जो एक डिसाइडिंग पैटर्न और है वह क्या है, वह है समुद्र से दूरी। समुद्र से किसी क्षेत्र की जितनी ज़्यादा दूरी होगी वहाँ मौसम क्या होगा, उतना ज़्यादा विषमकारी होगा। विषमकारी कहने का मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ठंडी में ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। जो समुद्र तट के निकट हैं उनमें क्या होता है, उनमें समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी जलवायु कहने का मतलब गर्मी और ठंडी दोनों में प्रायः जो है मौसम की दिशाओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जल क्या होता है, जल देर से गर्म होता है, पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और ज़मीन क्या होता है जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि जल और स्थल का वितरण भी जो है जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसी वजह से आप देखेंगे तो पाएंगे कि मुंबई का औसत तापमान जो है गर्मी और ठंडी में लगभग उतना ही रहता है, और जबकि इधर छत्तीसगढ़ का एक प्रदेश है, वहाँ जो छत्तीसगढ़ का एक शहर है वहाँ जो है क्या होता है गर्मी में ज़्यादा तापमान और ठंडी में कम तापमान पाया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई का क्या मतलब है, दो क्षेत्र ले लेते हैं, एक ले लेते हैं उत्तर प्रदेश में आगरा,
ये है आगरा। दूसरा क्षेत्र ले लेते हैं यहीं का, मैंने तवांग की बात की थी, तवांग की ही बात कर लेते हैं। बात करते हैं गर्मी के महीने में, तो आगरा में देखेंगे गर्मी के महीने में औसत तापमान कितना हो जाता है, लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है गर्मी के महीने में। और तवांग में जाएंगे तो पाएंगे कि गर्मी के महीने में वहाँ का तापमान कितना है, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या ऐसी दशा है, इन दोनों को देखेंगे तो समुद्र से भी दूरी उतनी ही है, इन दोनों के आसपास कहीं समुद्र दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अक्षांशी डिस्टेंस देखेंगे तो पाएंगे कि अक्षांश भी जो है दोनों कमोबेश एक ही है, दोनों समान अक्षांश पर भी हैं। तो ऐसा कौन सा फैक्टर अब यह हो गया है जो दोनों के तापमान में विभिन्नता पैदा कर रहा है, तो हम देखेंगे कि वह तापमान क्या है, वह फैक्टर क्या है। वह फैक्टर है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कहने का मतलब यह है कि कोई भी स्थान जितना ज़्यादा ऊंचा होगा, जैसे आप कहते हैं कि धरती से थोड़ी दूर ऊपर जाने पर, पहाड़ों पर जाने पर क्या हो जाता है, वायु विरल हो जाती है, इस वजह से वहाँ ठंडापन का एहसास होने लगता है। यानी समुद्र तल से जो क्षेत्र जितना ज़्यादा ऊंचा रहेगा वहाँ जो है ठंडी क्या होगी उतनी ज़्यादा पड़ेगी। आगरा और तवांग दोनों एक ही अक्षांश पर लगभग हैं, दोनों के समुद्र से डिस्टेंस देखेंगे तो दोनों के आसपास कोई समुद्र नहीं है, फिर भी दोनों के तापमान का अंतर यह है कि जो तवांग है वह पर्वतीय क्षेत्र में है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ का मौसम आगरा की तुलना में क्या होता है, ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई उसकी क्या है, ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर उठते जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो ज़मीन से जितना ऊपर हम जाने लगेंगे मौसम क्या होने लगेगा, उतना ठंडा होने लगेगा, एक निश्चित सीमा तक की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो यानी तीसरा कारण क्या हो गया, तीसरा कारण हो गया समुद्र तल से ऊंचाई, स्थिति और उच्चावर संबंधी कारक क्या हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई। चौथा क्या है, चौथा है उच्चावच। उच्चावच कहने का मतलब यह हुआ, जैसे जो है मैं और आगे चलूं या इसको जो है मिटा ही दूं, तो चलिए मिटा ही देते हैं, ठीक है ना। मैप बना लेते हैं, भारत का मैप बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है ना, मैप बनाना बिल्कुल कठिन काम नहीं है, मैप बनाना सबको आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक मैप तो सबको बना ही लेना चाहिए। ये मान लीजिए भारत हो गया, ठीक है ना, इस पे मत जाइए, बोर्ड है, जैसा भी बन जाए उसको समझना है, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है, मैं उच्चावच की बात कर रहा हूँ, उच्चावच का मतलब जैसे होता है ऊंची नीची जमीन, पर्वतीय क्षेत्र है या फिर कैसा क्षेत्र है, या फिर स्थलीय क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, यह है, यहाँ आप पाएंगे कि यह मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और एक क्षेत्र ले लेते हैं, यह है राजस्थान। मैंने भी आपको बताया कि राजस्थान में क्या होती है, औसत वर्षा बहुत कम होती है, उसका कारण यह है कि जो पौने जो है दक्षिण पूर्व की जो मानसूनी पौने जो जाती हैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, कारण तो यह हो गया। दूसरा जो है, अगर कोई पहुँचती भी है तो इसके पार निकल जाती है। पार निकलने का मतलब है यहाँ जो है बरसात ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से जो भी पौने हैं जल वाली बरसात वाली पौने हैं जैसे ही यहाँ जाती हैं यहाँ के पहाड़ों से टकरा जाती हैं, और पहाड़ों से टकराने पर यही क्या कर देती हैं, बरसात कर देती हैं। इसी वजह से यह जो क्षेत्र है मेघालय का, यह जो क्षेत्र है यहाँ जो है बरसात क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में क्या होती है, बरसात ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ से जो पौने उठता है यही सीधी क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है। यानी उच्चावच भी क्या होता है, किसी क्षेत्र की ऊँचाई जो है भी उस क्षेत्र की जलवायु को क्या करती है, निर्धारित करती है। तो मुझे लगता है कि आपका आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, एक बार जो है अच्छे से फिर से इसको समझ लीजिएगा। NCERT जो है आप, मेरा सुझाव होगा
कि आप कक्षा 11-12 की जो है एनसीईआरटी आती है उसको भी एक बार जो है रेफरेंस में ले लीजिएगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आया होगा वो भी क्या होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज के इस सेशन से हमें विदा दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।